तो नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए, आप कॉलर लाइन पर हैं? जी, वाले सलाम, कहते हैं खरीद फैसल भाई, कहते हैं जी खरीद बिल्कुल भाई। हल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और हजरत आप कहते हैं माशा। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह। आज की आवाज़ थोड़ी सी लो आ रही है सर। मैं एक सवाल है मेरा, आप मेरा प्रोग्राम बड़ा पसंदीदा प्रोग्राम है, और मैं हमेशा बाकायदगी से देखता हूँ, और माशाल्लाह दोनों आप हजरात ने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम अरेंज किया है, बहुत अच्छा मिलता है एक नौ। तो अभी ये टॉपिक चल रहा है इस हवाले से मेरा एक सवाल है कि ये औलिया अल्लाह जो होते हैं, इनमें कुछ वो के जो बात 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 मौजूद होती है, और बात से बात उसमें नजर नहीं आती है, मेरे नजर हमें मतलब पता नहीं चलता, तो उस पर हमें किस तरह से हमें जज करना चाहिए कि इसमें सारी सफात मौजूद है या नहीं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। क्या कह रहे हैं हजरत? ये पूछ रहे हैं कि बाज औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं कि उनकी कुछ सिफात जाहिर होती हैं और कुछ जाहिर नहीं होती हैं, तो हम उनको कैसे जज करें कि इनमें बाकी सारी सिफात भी हैं वो हम पे जाहिर नहीं हो रही, और हम कैसे जज करें कि इनमें सारी सिफात हैं और ये वाकई में अल्लाह के वली हैं? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। तो भाई बात वही ना, को कहते पूरी देख के चंद चावल चख लिए तो बस पता चल गया देख कैसी होगी। तो बस यही करें कि अगर चंद सिफात आपको नज़र आ गई तो बस आप हुस्न ज़न रखें कि इंशाल्लाह बाकी सिफात भी होंगी, क्योंकि विलायत व मारफत की कुछ सिफात आपने देख ली, क्योंकि बहुत सी सिफात ऐसी हैं जिसका ज़हूर आपके सामने होना ज़रूरी भी नहीं है, वो अपने अपने मुकाम पर ज़ाहिर होती हों। लेकिन आम फितरी उसूल दुनिया का ये है, बस थोड़ा बहुत चख लिया तो पता चल गया कि यार बस ठीक है ये, तो वही वाली बात है, तो पूरे को देखना मुमकिन नहीं होता। इसलिए हुस्न ज़न इसी को कहते हैं कि ज़नुल मोमिन खैरा, कि ईमान वालों के साथ जो है वो खैर का गुमान रखो। तो अगर किसी शख्स के अंदर आप ये कुछ सिफात देखते हैं तो आप समझ जाएं कि इंशाल्लाह बाकी सिफात भी इसके अंदर होंगी, और जो आप उसके बारे में नेक जो है वो एतकाद रखें और उससे कस्ब फैज़ हासिल करें। ये नहीं कि आप इसी चक्कर में रहें कि यार सारी सिफात पहले पता कर लूं कि पूरी की पूरी जो है 100-150 सिफात हैं तो फिर मैं वली मानूंगा, तो पता नहीं उस वक्त तक जो है काम बात कहाँ से कहाँ निकल जाए। ऐसा नहीं होता, यही तरीका होता है कि इंसान जो है जो मेयार को छोटी है उसकी बुनियादी चीज़ें जब देख ली उसके ऊपर, और फिर यह है कि वैसे आम तौर पर जो है वो इत्तिबाए सुन्नत है, इसी तरीके से जो है वो खिलाफ शरीयत को अमर नहीं है, इबादत का एहतमाम है, बस ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। आवाम को तो ये देखने की जो का मुकल्लफ किया गया है, बाकी बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये फिर भी देखे जो जो सिफात इन में से नज़र आती हैं उनके बारे में, बाकी के बारे में भी नेक गुमान रखे, जब ये हैं तो इंशाल्लाह दूसरी भी होंगी। अच्छा माशाल्लाह।